एंटिटी में पुनः आपका स्वागत है। सेक्शन बी में प्रश्न संख्या 12 जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से प्रश्न पूछे गए थे 2019 में सीबीएसई 10th क्लास में, वो प्रश्न थे इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1 इक्वल टू 0, डिटर्मिन द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन डज नॉट हैव एनी रियल रूट। द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1 इक्वल टू 0 में के मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं हो, अर्थात रियल रूट नहीं हो। इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है। सबसे पहले हम जनरल इक्वेशन को देखें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, वेयर ए डज नॉट इक्वल टू 0। इसके डिस्क्रिमिनेंट होते हैं अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये डिस्क्रिमिनेंट होते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये बी है और ये ए है और ये सी है। तो इस प्रकार डिस्क्रिमिनेंट और इसके जो हम रूट्स निकालते हैं उसको भी हम एक बार देख लेते हैं, खास प्रॉब्लम नहीं है। एक्स बराबर होगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये इसके रूट्स होते हैं, दो रूट्स, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे। तो यहाँ अब सवाल आता है, जब ये पॉजिटिव नंबर आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac तब ही तो ये रियल हो सकते हैं, या जीरो हो जाता है तब रियल होते हैं। अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव होगा तो वो इमेजिनरी या काल्पनिक नंबर आएगा, तो अर्थात ये वास्तविक नहीं हो, डज नॉट हैव एनी रियल रूट। तो उस स्थिति में यहाँ सबसे पहले हम जान लें बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है ये लेस देन 0 होगा, यही हमारा मेन थ्योरम है। बी स्क्वायर माइनस 4ac जब लेस देन 0 होगा तब ये इमेजिनरी रूट आ जाता है, काल्पनिक संख्या में रूट आता है जो वास्तविक नहीं होगा। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। तो अब हम यहाँ फटाफट ये देखते हैं, हमारा इक्वेशंस है, यहाँ हम देख लेते हैं हमारा इक्वेशंस है के एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1 इक्वल टू 0, यही हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। यहाँ अब हम देख लेते हैं a इक्वल टू है k, b इक्वल टू है माइनस 6 और c इक्वल टू है माइनस 1। तो अब हम डिस्क्रिमिनेंट को निकाल लेते हैं, डिस्क्रिमिनेंट मेरा हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b यहाँ माइनस 6 है तो माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4a इक्वल टू के और गुना माइनस सी इक्वल टू माइनस 1। तो इस प्रकार हो जाएगा 36 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4k और ये जो है लेस देन होगा 0 से बाय कंडीशन। तो अब देखिए इसमें से हम 4 को कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 9 प्लस के लेस देन 0, अर्थात 9 प्लस के लेस देन 0, 4 इधर डिवाइड हो जाएगा तो 0 हो गया। तो अर्थात ये हमारा हो जाएगा के को अगर यहाँ छोड़ देते हैं तो के इज लेस देन और इसको इस साइड ले जाते हैं तो माइनस 9, अर्थात के का वैल्यू जो है माइनस 9 से कम होगा, अर्थात माइनस 9 से कम होने का अर्थ हुआ जो माइनस 10
माइनस ग्यारह माइनस बारह ये होगा। अगर माइनस नौ से अधिक होता है तो रियल रूट आएंगे। माइनस माइनस नौ से अधिक का अर्थ हुआ माइनस आठ माइनस सात, इस तरह से बढ़ते क्रम में अगर जहां तक हमने दस ग्यारह बारह कुछ भी जो आता है माइनस नौ से अगर अधिक होता है तो वो रियल रूट आएंगे, और माइनस नौ से अगर के का वैल्यू कम है तो उस स्थिति में इमेजिनरी रूट्स आंसर में आएंगे। धन्यवाद। ये सेक्शन बी के सारे प्रश्न अब समाप्त होते हैं, सेक्शन सी शुरू किया जाएगा। धन्यवाद।